हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनिल और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके का एक एब्स्ट्रैक्ट कलरफुल स्प्लैशी बैकग्राउंड, वो भी इलस्ट्रेटर में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और कोई भी टिप्स मिस ना करें। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देरी करें चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने आर्टबोर्ड लिया हुआ है 1920 विड्थ में और 1080 हाइट में। आप कोई भी साइज का आर्टबोर्ड ले सकते हो। तो गाइस, फर्स्ट हम आर्टबोर्ड के साइज का एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एम प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग करके रेक्टेंगल आर्टबोर्ड के साइज का क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो अभी यहाँ पे इसके फील को ऑन रखते हैं और फील के कलर को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे रेड को रखेंगे 15 और ग्रीन को रखेंगे 0 और ब्लू को रखेंगे 10। तो कुछ इस तरीके का हमने एक बैकग्राउंड ले लिया और इसके स्ट्रोक को हम नन करते हैं और कंट्रोल 2 प्रेस करके इसको लॉक कर लेते हैं। तो अभी मैं जो भी कुछ क्रिएट करूं, तो अभी मैं इस पर कुछ भी क्रिएट करूं तो ये मूव नहीं करेगा। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे ब्रश टूल ले लेता हूँ, ब्रश टूल को बी प्रेस कर लेता है। तो यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट हो चुका है, पर अभी यहाँ पे स्ट्रोक नन है और फील डार्क कलर है। तो हम क्या करते हैं, डी प्रेस कर लेते हैं और शिफ्ट एक्स प्रेस कर लेते हैं ताकि कलर स्विच हो जाए। तो अभी वाइट स्ट्रोक है और ब्लैक फील है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कुछ ले लेता हूँ। तो ऐसे कुछ मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे फर्स्ट। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, ए प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आ गया। अभी क्या करेंगे, इसको रिमूव सिलेक्शन एंकर्स करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। अभी आपको इसमें थोड़ा कुछ एडिट करना हो तो आप एडिट भी कर सकते हो, ऐसे कुछ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये इस तरह के हमने एक शेप क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, आई ड्रॉपर टूल ले लेते हैं आई प्रेस करके और ये वाला कलर पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है। अभी इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी प्रेस करके और इसे हम छोटा कर लेते हैं फर्स्ट और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये छोटा किया हुआ है तो इसको यहाँ पे थोड़ा और छोटा करेंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ऐसे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका कलर हम चेंज करेंगे एज बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आईड्रॉपर टूल ले लेते हैं और शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे कलर पिक कर लेते हैं ताकि सेम कलर पिक हो जाए। अभी दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और अल्ट कंट्रोल बी प्रेस करके ब्लेंड कर लेते हैं। वैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके भी ब्लेंड कर सकते हो, यहाँ पे ब्लेंड मेक ब्लेंड कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखता हूँ, W प्रेस करता हूँ और ब्लेंड टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एंटर प्रेस कर लेता हूँ ताकि ये ब्लेंड ऑप्शन आ जाए। तो जब ये ब्लेंड ऑप्शन आता है तो यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप इंक्रीज करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको और इसे हम ओके कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इसको यहाँ पे मूव करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ आपको दिखाई दे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे रोटेट कर लेता हूँ ताकि कुछ इफेक्ट अलग सा लगे। कुछ ये इस तरह से आ चुका है। फिर सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी ले लेता हूँ और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी ले लेता हूँ और फिर इसका और एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा और इसको छोटा बड़ा करना है तो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ और फिर से यहाँ पे भी एक ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ आप ले सकते हो, जहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको डिज़ाइन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा बन सकेगा तो वहाँ पे आप इसको प्लेस कीजिए। थोड़ा सा और कलरफुल हो जाएगा ये, चाहे तो इसको थोड़ा सा शेप भी ये कर सकते हो ताकि दिखने में और बढ़िया लगे, ऐसे कुछ मैंने कर लिया। फिर का इसको एज इट इज़ यहाँ पे भी एक ले लेते हैं, छोटा कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी फिट हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया। और भी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो,
तो देख रहे हो यहाँ पे मैं जिस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड अच्छा दिखना चाहिए एक्चुअली। और यहाँ पे भी कुछ ऐड कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। तो गाइस अभी यहाँ पे मैंने इतना कुछ फ्लैश क्रिएट कर लिए, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो बैकग्राउंड को हमने लॉक किया था उसको अनलॉक करते हैं राइट क्लिक करके, और कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके पेस्ट इन प्लेस कर लेते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, और राइट क्लिक मेक क्लिप मास्क करते हैं। तो देखिए गाइज ये कुछ इस तरह से ये बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। और अभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, चलो आपको दिखाई देता हूँ। और यहाँ पे इसको कलर रखते हैं वाइट, और इसका साइज़ कुछ ऐसा रखते हैं बड़ा सा 60। यहाँ पे टाइप कर लेते कुछ, कैप्स लॉक ऑन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड। और अभी इसको थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, पर मैं फ़िलहाल के लिए तो आपको दिखाने के लिए कुछ इस तरह से रख रहा हूँ। और इसका साइज़ छोटा कर देंगे, कंट्रोल टी प्रेस कर लेता हूँ ताकि ये टेक्स्ट का पैनल ओपन हो जाए, और यहाँ पे इसको 500 कर लेता हूँ। स्पेसिंग तो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा और एडजस्ट करना हो तो एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे भी टेक्स्ट को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो चलो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ कैसा दिखेगा ये। तो मैं यहाँ पे एफ प्रेस कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, कंट्रोल जीरो प्रेस कर लेता हूँ। तो गाइज ये बैकग्राउंड इस तरह से कुछ रेडी हो चुका है। अगर आपको इस बैकग्राउंड में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मेल भी कर सकते हो, आपको मेल आईडी भी मेरा चैनल पे ऑलरेडी है। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको ये बैकग्राउंड का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने इससे कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख सके इस तरह के क्रिएटिव डिज़ाइंस बनाना और कुछ अर्न कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इमेजिन करके कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।